Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 8 chemistry, we are going to study about the new topic, that is alkynes. We have already studied about alkanes and alkenes. So today we will study about alkynes. Dekhenge kaisa alkyne ka structure hota hai. Clear? To dekhiye, sabse pehla kya dekhna hai hame? Alkyne. अल्काइन क्या होते हैं, सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना है. तो अल्काइन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. क्यों? क्योंकि दो कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. क्या होता है, दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. क्लियर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम एंड जनरल फार्मूला इज CnH2n-2. और जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2. क्लियर? ये याद रखना है आपको, दिस थ्री थिंग्स. फर्स्ट, अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. सेकेंड, देर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम. एंड थर्ड, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n-2. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, लेट अस गो विद द स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे आपका मिथाइन नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड हम नहीं बना सकते हैं. ठीक है? और स्टार्ट होगा आपका इथाइन से, N=2 से. तो अगर हम लिखें तो क्या होगा, C2H2×2-2, यानी C2H4-2, यानी C2H2. तो देखिए, C2 और H2 हुआ आपका. तो दो कार्बन एटम के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी इस कार्बन का 3 वैलेंसी पूरा और इस कार्बन का भी 3 वैलेंसी कंप्लीट हुआ. कितना वैलेंसी बचा, 1. तो वो 1 वैलेंसी किसके मदद से पूरा होता है, कंप्लीट होता है हाइड्रोजन के मदद से. क्लियर? तो कुछ ऐसा होगा आपका स्ट्रक्चर इथाइन का. दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. क्लियर? नेक्स्ट, प्रोपाइन. फॉर प्रोपाइन n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3. अगर n का वैल्यू 3 है तो अगर मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, C3H2×3-2, यानी C3H6-2, C3H4. ठीक है, C3H4. अब देखिए, 1, 2, 3 कार्बन एटम्स हुए. ठीक है, इसमें से फर्स्ट 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इस कार्बन एटम का ऑलरेडी 3 वैलेंसी कंप्लीट और इस कार्बन एटम का भी 3 वैलेंसी कंप्लीट. अब इसके कारण 3 वैलेंसी कंप्लीट हुआ. अब इस कार्बन को कितना चाहिए, 1 वैलेंसी. तो ये 1 वैलेंसी ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर देता है. लेकिन इस कार्बन एटम का बात करें तो इसके कारण तो 3 वैलेंसी कंप्लीट हुआ. अब ये इधर भी तो बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन एटम के कारण 1 मोर वैलेंसी कंप्लीट हुआ, यानी इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं होगा. ठीक है, और लास्ट वाले में 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड हो जाएंगे. तो ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हुआ. क्लियर? नेक्स्ट, ब्यूटाइन. ब्यूटाइन में एन का वैल्यू कितना होगा, N=4. फॉर ब्यूटाइन N=4. सो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H2×4-2, यानी C4H8-2, यानी C4H6 होगा आपका जनरल फार्मूला किसका, ब्यूटाइन का. ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करने का कोशिश करें तो फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स, ये फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इस कार्बन एटम का कितना वैलेंसी कंप्लीट, 3 वैलेंसी कंप्लीट. इस कार्बन एटम का कितना वैलेंसी कंप्लीट, 3 वैलेंसी कंप्लीट. क्लियर? तो इस कार्बन एटम ने क्या किया, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच करके अपने ऑक्टेट को पूरा किया. अब ये कार्बन है, ये बगल में दूसरे कार्बन के साथ एक और बॉन्ड बना रहा है, इसके कारण इसका भी एक और वैलेंसी कंप्लीट हो जा रहा है और इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं होगा. ठीक है, अब इस कार्बन एटम को देखिए तो एक वैलेंसी इधर और एक वैलेंसी इधर, यानी इसका 2 वैलेंसीज कंप्लीट हुए, यानी इसका 2 और वैलेंसी जो है वो किसके मदद से कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन एटम के मदद से. क्लियर? और सिमिलरली इस कार्बन एटम में 3 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे. तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपका ब्यूटाइन का. क्लियर? नेक्स्ट देखिए पेंटाइन. पेंटाइन में एन का वैल्यू कितना होता है, 5. तो ये क्या हो गया, C5H2×5-2, यानी C5H10-2, C5H8. ये किसका वैल्यू हो गया, आपका मॉलिकुलर फार्मूला किसका, पेंटाइन का. क्लियर? पेंटाइन का मॉलिकुलर फार्मूला हुआ.
अब देखिए यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो फर्स्ट टू कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इस कार्बन का थ्री वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन का भी थ्री वैलेंसी कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड के कारण। अब इसको कितना चाहिए, वन वैलेंसी, वो किसके मदद से, हाइड्रोजन के मदद से कंप्लीट कर रहे हैं। और इसको भी एक वैलेंसी चाहिए तो वो इधर बॉन्डिंग कर ले रहा है, इसके कारण इस कार्बन एटम में कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं होगा। अब इधर देखिए, इधर आपका दो हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ, इसमें भी दो हाइड्रोजन एटम और इसमें तीन हाइड्रोजन एटम, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ आपका पेंटाइन का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हेक्साइन, हेक्साइन में एन का वैल्यू कितना होगा, सिक्स। एन का वैल्यू अगर सिक्स हुआ तो सी सिक्स, टू इंटू सिक्स माइनस टू, यानी सी सिक्स एच ट्वेल्व माइनस टू सी सिक्स एच टेन, ये स्ट्रक्चर किसका हुआ आपका, हेक्साइन का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टू कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट टू कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका कितना वैलेंसी, थ्री वैलेंसी कंप्लीट, और इसका भी थ्री वैलेंसी कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड के कारण। ये अपने एक और वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम के साथ मिल करके कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि ये एक सिंगल बॉन्ड बना करके कंप्लीट कर रहे हैं। इधर देखिए दो हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी दो हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी दो हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एटम, तो कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर होगा हेक्साइन का। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर हेक्साइन। फिर नेक्स्ट हेप्टाइन, हेप्टाइन के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, सेवन। हम मॉलिकुलर फार्मूला अगर लिखें तो क्या होगा, सी सेवन टू इंटू सेवन माइनस टू, यानी सी सेवन एच फोर्टीन माइनस टू, यानी सी सेवन एच ट्वेल्व, सी सेवन एच ट्वेल्व। ठीक है, अब देखिए उसके स्ट्रक्चर को अब हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट टू कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी इस कार्बन एटम का थ्री वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन एटम का भी थ्री वैलेंसी कंप्लीट। अब इसके साथ में जो ये अटैच्ड है, ये फोर्थ वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, और ये इस कार्बन एटम के फोर्थ वैलेंसी को ये बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री। क्लियर, तो इस तरह से कार्बन अपने सारे वैलेंसीज को हाइड्रोजन के मदद से कंप्लीट करते हुए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका हेप्टाइन का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ऑक्टाइन, ऑक्टाइन के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, एट। वैल्यू ऑफ एन इज एट फॉर ऑक्टाइन, एन इज इक्वल टू एट हुआ तो क्या हो जाएगा, सी एट एच टू इंटू एट माइनस टू, यानी सी एट एच सिक्सटीन माइनस टू सी एट एच फोर्टीन। देखिए अब फर्स्ट टू कार्बन एटम्स के बीच में देखिए ट्रिपल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के मदद से ये कार्बन अपना ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं, और ये कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो कुछ इस प्रकार हाइड्रोजन के मदद से क्या हो रहा है आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन एटम्स एंड थ्री टू फाइव टू सेवन टू नाइन टू इलेवन टू थर्टीन और वन फोर्टीन हाइड्रोजन एटम्स, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा आपका ऑक्टाइन का। क्लियर। नेक्स्ट नोनाइन, तो नोनाइन में एन का वैल्यू कितना होगा, नाइन। एन का वैल्यू नाइन हुआ, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, सी नाइन एच टू इंटू नाइन माइनस टू, यानी सी नाइन एच एटीन माइनस टू, यानी सी नाइन एच सिक्सटीन हुआ आपका नोनाइन का मॉलिकुलर फार्मूला। अब इस मॉलिकुलर फार्मूला के बेसिस पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो पहले दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये कार्बन अपना एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंप्लीट करेगा, और ये एक बॉन्ड बना करके अपने एटम को स्टेबल कर ले रहा है ऑक्टेट पूरा करके। अब उसके बाद जो बचे हुए हैं सेवन कार्बन एटम, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कार्बन एटम्स, ये दोनों तो कंप्लीट हुए, ये जो सेवन कार्बन एटम्स बचे वो टू टू फाइव फोर टू सिक्स टू एट टू टेन टू ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन एंड वन सिक्सटीन कार्बन एटम। क्लियर, 16 हाइड्रोजन एटम, तो ये सारे के सारे का ऑक्टेट कुछ इस प्रकार कंप्लीट हो रहा है। क्लियर, एंड लास्ट इज डेकाइन, डेकाइन में एन का वैल्यू कितना हो जाता है, 10, सो इट विल बी सी टेन एच टू इंटू टेन माइनस टू, यानी सी टेन एच ट्वेंटी माइनस टू, यानी सी टेन एच एटीन होगा इसका मॉलिकुलर फार्मूला। क्लियर, अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश करें तो देखिए
पहले 10 कार्बन एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन एटम्स हो गए। उसके बाद फर्स्ट टू कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि इस साइड वाला कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अपने ऑक्टेट को पूरा किया और ये कार्बन एटम बॉन्ड बना करके, और उसके बाद में बाकी जो बचे हुए कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे अपने ऑक्टेट को हाइड्रोजन एटम की मदद से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपका डेकाइन का स्ट्रक्चर होगा। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू।